पीएम फसल बीमा योजना 2023 मोदी सरकार ने 25 लाख किसानों को फसल नुकसान के लिए मंजूर किए 3,000 करोड़ रुपए। इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को। पीएम फसल बीमा योजना 2023 मोदी सरकार ने 25 लाख किसानों को फसल नुकसान के लिए मंजूर किए 3,000 करोड़ रुपए। इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकटो न्यूज में। नई दिल्ली भारत एक मौसम विविधता वाला देश है। यहाँ अक्सर मौसम की वजह से किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान पहुँचता है। इसी नुकसान को कम करने के लिए और किसानों को फसलों को शील्ड यानी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार किसानों को फसलों के नुकसान पर मुआवजा देती है। किसान को 20% ज्यादा या कम फसल नुकसान पर कवरेज सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत करती है। जिन किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद होती है, उन्हें उनके नुकसान पर प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। हाल में ही केंद्र सरकार ने 25 लाख किसान को फसल नुकसान पर सहायता देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। किसानों को कितना मिलेगा इस योजना का लाभ? फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसानों को इसके लिए फसल नुकसान का क्लेम करना होता है। आपदा या किसी भी प्राकृतिक कारणों से हुए फसल नुकसान पर क्लेम किया जा सकता है। कपास की फसलों के लिए किसानों को अधिकतम 36,282 जबकि मक्का की फसलों के लिए 18,742, धान की फसल के लिए 17,639 रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मूंग की फसल के लिए 16,493 या 16,497 का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य फसलों के लिए भी एक मानक अनुदान निर्धारित किया गया है। क्या है फसल बीमा योजना की लेटेस्ट अपडेट? फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपए की राशि का फसल नुकसान मुआवजा दिया जाना निर्धारित किया गया है। फसल बीमा को क्लेम को लेकर सरकार ने किसानों की मांग को लगातार बढ़ती रही थी। जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान का क्लेम किया था, उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाता है। गौरतलब है कि बीते दिनों भारी ओलावृष्टि बारिश के वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है। अगर आप भी इस राशि का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करवाना होगा और फसल नुकसान के बदले उचित मुआवजा पा सकते हैं। कब मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ? जिन किसानों ने फसल बीमा क्लेम किया था, अगर उनको अभी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है तो योजना की राशि किसानों को अक्टूबर महीने तक पहुंच जाएगी। इस योजना के तहत 25 लाख किसानों को नष्ट हुई फसल बीमा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कैसे मिलेगा पीएम फसल बीमा योजना का लाभ? पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.government.in पर जाना होगा। फसल बीमा के लिए रजिस्टर करना होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना में 90% प्रीमियम भारत सरकार द्वारा भरा जाता है। किसानों को मात्र 10% ही प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इससे किसान पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। जिन किसानों को पीएम किसान योजना में पहले से लाभ मिल रहा है, उन किसानों को प्रीमियम की राशि पीएम किसान से मिलने वाले लाभ में से ही कट जाती है। प्रीमियम की राशि बहुत कम होती है। रबी की फसल पर किसानों को कुल बीमित राशि का 1.5% और खरीफ फसलों के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट से कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।